पेशाब की थैली या पेशाब से जुड़ी हुई कोई भी समस्या को आप लोग घर पर ही काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, घर पर कैसे? प्राकृतिक तरीके से, बाय यूजिंग सम होममेड नेचुरल मेथड्स। देखिए, पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या है या पेशाब की थैली से जुड़ी कोई भी समस्या है, इनका होने का जो सबसे प्रमुख, जो मेन रीजन है वो क्या है? वीकनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। जी हाँ, आप यकीन करिए या ना करिए, सबसे जो कॉमन रीजन है दैट इज वीकनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। और यही पेल्विक फ्लोर मसल्स जिम्मेवार होती हैं, बात को समझ लीजिए। मैंने बताया बहुत सी वीडियोस में, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, मेरे शरीर की, मेरे पूरी जो पेल्विक एरिया है उसकी पेल्विक मसल्स कमजोर होंगी, बात को समझ जाइए। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर बंदे की उम्र बढ़ने के साथ, चाहे पुरुष हों चाहे माताएं बहनें हों, ध्यान से समझिएगा, हर पुरुष और हर महिला की उम्र बढ़ने के साथ उनकी जो पेल्विक एरिया में पेल्विक फ्लोर या पेल्विक मसल्स हैं वो कमज़ोर होंगी, कोई नहीं रोक सकता भैया। ये प्राकृतिक, एक भगवान ने अच्छी नेचुरल प्रोसेस बनाई है, ठीक है। लेकिन हर किसी को पेशाब जुड़ी समस्या नहीं होती है। क्यों ऐसा कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है यार? क्योंकि हर बंदा बोलता है उम्र बढ़ने के साथ पेल्विक मसल्स कमज़ोर होंगी, कमज़ोर होंगी, आपने बहुत लोगों से सुनोगा। लेकिन हर बंदे को पेशाब से जुड़ी बीमारी तो नहीं है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बंदा पेल्विक एक्सरसाइज करता है, आपको कोई बताता नहीं है। लेकिन जो भी इसमें पेशाब से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित नहीं है और उसकी उम्र ज़्यादा है, 40-50 साल के ऊपर है, वो कोई ना कोई एक कीगल एक्सरसाइज जरूर करता होगा। और जो मैं भी करता हूँ, सिर्फ मैं एक कीगल एक्सरसाइज करता हूँ जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई योगासन, तितली आसन। जी हाँ, और कीगल एक्सरसाइज को ही पेल्विक एक्सरसाइज बोला जाता है। बात समझ आ गई आप लोग? इतनी छोटी सी बात है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात मैंने नहीं बोली। अगर कन्फ्यूजन हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा ना रिवर्स कर लेना, एक डेढ़ मिनट पीछे से वहाँ से दोबारा सुन लेना। अच्छा, घरेलू उपाय तो आपको नो डाउट राहत दिला ही देंगे। सबसे पहला काम, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोक करना, बीड़ी सिगरेट आज से ही आप लोग खाना बंद कर दीजिए। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा जब वो सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनको खांसी आती है, तो खांसी होने से उनके जो पेल्विक मसल्स उन पर स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। बात समझे कि नहीं समझे? आप जब सिगरेट बीड़ी पियेंगे, आपको जब हल्की फुल्की खांसी जाएगी ना सिगरेट बीड़ी पीने के बाद, तो आपके जो पेल्विक मसल्स उन पर स्ट्रेन पड़ता है, भार पड़ता है, बात को समझ आइए। और कुछ लोग तो मैंने अपने सामने एग्जांपल देखे, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि वो पेशाब कपड़ों में निकल जाता है, फिर भी बीड़ी सिगरेट पीना बंद नहीं करते। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? मैं कोई समाज सेवक तो हूँ नहीं भैया कि हर घर घर जाके मैं समझाऊँ। एक इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ, बाकी मानो ना मानो आप लोगों की ज़िंदगी है भैया, आप लोगों की अपनी खुद की मर्जी है, जो मान जाएगा वो स्वस्थ रहेगा। अच्छा, एक जो मैंने आपको बताया, कुछ लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरा, शराब पीना बंद कर दीजिए आज से ही। क्या बोला मैंने? आज से ही दारू शराब पीना बंद कर दीजिए। नंबर 3, चिकन मटन अंडे खाना बंद कर दो। अगर ये सब काम बंद नहीं करेंगे आप लोग, मैं फिर रिपीट करूँ, आपको जो करना है वो कर लो यार, जो करना है वो कर लो। और कुछ केसेस में जब आपके पेशाब की थैली ज़्यादा कमज़ोर होती है, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन, तो कुछ लोगों को फीवर तक आना शुरू हो जाता है, जो नेचुरल है। भैया, शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो फीवर तो आएगा, बॉडी का मैकेनिज्म है, बात को समझे। फीवर आना एक मैकेनिज्म है, भगवान ने एक प्राकृतिक एक ऐसी जो बोलते हैं मेथड भगवान ने हमारे शरीर में सेट किया, जब भी हमारे शरीर में कोई बाहर से बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हमारा शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, जिसको बोलते हैं फीवर। बात को समझे कि नहीं समझ रहे आप लोग? आप लोग मेन रूट कॉज को नहीं पकड़ते। मैंने क्या बोला? वीकनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। आपको पेल्विक मसल्स को ताकतवर बनाना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है मैंने बता दिया, बटरफ्लाई योगासन बताया। दूसरा, जिन भी लोगों को पेशाब की थैली और पेशाब से संबंधित कोई भी रोग है, उनको आज से और अभी से पाउडर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम है गुक्षा का पाउडर।
और कुछ लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब जैसे वॉशरूम तक जाते जाते कपड़ों में ही यूरिन लीक हो जाता है, उन लोगों को ये परेशानी भी बहुत उम्र बढ़ने के साथ कॉमन है। बस एक ही रीज़न है, सिर्फ एक ही रीज़न है, मेन वीकनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। मानो या ना मानो ये आप लोगों की खुद की मर्जी है भाई, सिंपल सी बात है। बाकी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, पेशाब से संबंधित कोई भी रोग है तो सबसे बेस्ट है गोखरू का पाउडर, गोखरू का पाउडर का काढ़ा बनाकर पी लो मेरे भाई, बात को समझ आइए। दूसरा एक वरना होता है वर्ण, उसकी छाल, उसका भी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट। वरना की छाल लगती है थोड़ी, मिलने में रेयर होते, बहुत कम मिल पाते, मैंने भी देखा केसेस में। लेकिन गोखरू का पाउडर मैंने बताया ना, हम गाँव में लगाते हैं, खाते हैं, मैंने आपको कितनी वीडियोस में बताया, कितनी वीडियोस में बता चुका, आप खुद बताओ। अब नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। गोखरू का काढ़ा बनाकर पी लो, यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिलता है मेरे भाई। क्या बोला मैंने, गोखरू का पाउडर। देखिए 3 ग्राम से ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लेनी दिन में, बात को समझ लेना। गोखरू का पाउडर आप लोगों को 3 ग्राम लेना है, 2 या 3 ग्राम, 3 ग्राम मैक्सिमम, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं। बस उसको पानी में डाल के कप में उबालो, जब वो गिलास आधा बच जाएगा ना उबल कर, उसके बाद वो पानी पी लेना है, काढ़ा पी लेना आप लोगों ने 2 टाइम, बस इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना, खान पान में बदलाव जरूरी है। बिना खान पान में बदलाव के आप कोई भी बीमारी हो ठीक नहीं कर सकते, वो आपको ही पता है, आप इतने समझदार हैं। परहेज़ किए बिना आप किसी भी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। सबसे मेन बात, शरीर में कब्ज नहीं होने देनी भैया, कॉन्स्टिपेशन कब्ज नहीं होने देनी, लीवर आपका स्वस्थ रहना चाहिए, बात को समझ जाइए। सिंपल सादा रोटी, घर की बनी दाल रोटी खाइए, मिर्च मसाला नहीं खाइए, दूध वगैरह बंद कर दो, मीट अंडे में सब कुछ बता दिया क्या खाना क्या नहीं खाना, बस मिर्च मसाले बताना भूल गया था, मिर्च मसाले यूज़ नहीं करने, घर का बना जो खाना है वो खाओ, कोई इशू नहीं, दलिया खा लो आपने, ओट्स वगैरह खा लो, कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, कोई इशू नहीं है, सब कुछ अच्छी चीज़ें। और वाइटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, फलों का जूस पीजिए, ऐसी चीज़ें खाओ ना यार, ये गंद मंद खा रहे हो, शराब पी रहे हो, दारू पी रहे हो, मीट खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्यों इतना गंद खा रहे हो आप लोग, बाद में रोना बैठ के, तो रोते रहो। बाकी भैया इतना ही, मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।